Kofagui. Kofagui. हनीमून प्लान करते वक्त तुमने कभी मोरक्को के बारे में सोचा? नहीं। तुम ये देखो, कोफागुई आबिद जान का एक प्यारा सा और क्यूट सा विलेज है, जहाँ से हम कश्ती पकड़ के पिनी लगुन तक जाएंगे। देखो, एक सेकंड में देखती हूँ। कश्ती मतलब फेरी? नहीं, चप्पू वाली कश्ती। सोचो, हर दिन नारियल पानी और अनानास का नाश्ता करेंगे। मैं अभी अपना रेगुलर नाश्ता बना लूँ। तुम चाय पियो ना, मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूँगी। तो ये देखो, लेकिन मुझे टोस्ट ऑमलेट खाना था। आयजा, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है ना? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास सनस्क्रीन है ना? हाँ। आयजा, आबिद जान जो इतना कूल है, तुम्हें पता है वहां पे एक पांडा है जो स्कूटी चलाता है और एक तोता है जो बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग भी बोलता है, और तो और मुमताज बेगम भी है। सो कूल। हम हनीमून पे जा रहे हैं, लकी रानी सर्कस। ओह, मैक्स म्यूजियम ऑफ फुटबॉल भी है, लेकिन उसका टिकट $150 पर पर्सन। ज़ैन, इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है हमारी। हाँ, मगर सब पर रिफंडेबल ऑप्शन भी है, मैं और सर्च करता हूँ। सब रिफंडेबल है? हेलो, मोरक्को के ट्रैवल प्लान्स बन गए? कहाँ यार, आबिद जान ज़ू जा रहे हैं हम मुमताज बेगम से मिलने। ब्रो, यू नीड टू टेल हिम एएसएपी। 3 दिन से ट्राई कर रही हो, एयरपोर्ट जाते वक्त बताओगी या फिर फ्लाइट जब टेक ऑफ कर लेगी तब? पता है क्या, इस बेचारे ने प्लान किया हुआ है, उसका दिल टूट जाएगा। रिफंड नाम की भी चीज होती है, और हनीमून है, बच्चों के नाम भी तुमसे पूछे बगैर रखेगा क्या? बाबर आजम और आसिफ अली। आयजा, यू आर अ मॉडर्न वुमन। जब तुम अपनी पसंद से शादी कर सकती हो तो अपनी पसंद की हनीमून पर भी जा सकती हो। आयजा, आबिद जान में होटल छोड़ के पाम ट्री से बने हट में स्टे करें। गुड लक जवान, गो मोरक्को गो। बाबा गुलूश मेरा नया निकनेम है। कितनी क्यूट हो ना तुम, ये मोरक्कन डिश है। यम ना? I love Morocco. आयजा, हाँ? अगर इसे छोटे प्याले में सर्व करेंगे तो क्या बेबी कनौज बोलेंगे? हाँ। Morocco is home to over 33 million, regarded as the Western Kingdom, located at the crossroads of Europe, Africa, and Arabia. This is the gateway to Africa. Magic of Morocco. What? Okay. Documentary on Morocco. So, ये ठीक है, तुम्हारी बुखार वुखार तो नहीं आ गया? तुम कब से डॉक्यूमेंट्री देखने लगी? कुछ और लगा, हटाओ ये सब। ये है शो देखने वाला। Zain, मेरी शर्ट कैसी है? आज ही ऑर्डर किया। हाय सर, मटेरियल अच्छा लग रहा है, मेरे लिए भी ऑर्डर कर देती। कितने पे था मैं? 24 पे। 24? यार, 25। हार मत मानना, हस्बैंड्स और हिंट्स बिल्कुल बैक बेंचर्स और केमिस्ट्री लेक्चर की तरह हैं, कुछ समझ नहीं आता। लगी रहो,
जब तक रिफंड का ऑप्शन है मोरक्को का ऑप्शन है। बुकिंग्स हो गई? नहीं। शुक्र। पाम ट्री वाला हट तो नहीं हुआ होगा ना? वही किया। बस कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, शाम 6 बजे तक कंफर्मेशन आ जाएगी और सारी चीजें लॉक हो जाएगी। ज़ैन, एक बात कहूँ? मैं जानता हूँ। ट्रिप 2 हफ्तों से 3 हफ्तों का कर दो। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। हमारी इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है। आई रिमेम्बर। तुम्हें याद है मंगनी के बाद जब हम शादी के बाद के प्लान सोचते थे तो हम मोरक्को डिस्कस करते थे, रिमेम्बर? मतलब देखो, मुझे चीजें कौन याद दिला रहा है? कुछ चाय ला के देना भूल गई। सॉरी। थैंक यू। इतनी प्लानिंग के बाद बस एक गर्मा गर्म चाय का कप ही चाहिए था। You know me so well. जैसे मैं तुम्हारी सारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखता हूँ। लेकिन मुझे 2 ऑमलेट खाना था। मेरी पसंद नापसंद के बारे में तुम कितना जानते हो? हो गई। यस आयशा, तुम यकीन नहीं करोगी मैंने जो प्लानिंग्स की है हमारे ट्रिप के लिए। यस। क्या मतलब? क्या हुआ? क्या? होल्ड ऑन अ सेकंड, कॉल करनी पड़ेगी मुझे। आई विल बी बैक। एमन, हमसे ना हो पाएगा, उसके एक्साइटमेंट का बबल मैं नहीं फाड़ सकती। अब जाऊंगी हनीमून पे अफजल जान, हाय हेलो करूंगी मुमताज बेगम से, रहूंगी हट में, जाऊंगी सफारी पार्क, मच्छरों में सोऊंगी और मच्छेरों के साथ नाश्ता करूंगी। एक्साइटमेंट का बबल मैं नहीं फाड़ सकती। अब जाऊंगी हनीमून पे अफजल जान, हाय हेलो करूंगी मुमताज बेगम से, रहूंगी हट में। ना मैं ईमान हूं और ना ही हम अफजल जान जा रहे हैं। जंगल सफारी और सफारी पार्क में बहुत फर्क होता है यार। आई एम सॉरी ज़ैन। किस लिए? फॉर गेटिंग कॉट? तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। मतलब तुम्हें आबिद जान बिल्कुल नहीं पसंद? आई मीन, शादी से पहले हमने कितनी बार मोरक्को सोचा और कितनी बार मैंने बात करने की भी कोशिश की, और तो और 3 दिन से तुम्हें हिंट दे रही हूँ। यार कौन सा प्लान और कौन से हिंट? और ये तुमने सुबह से पहना हुआ है? मतलब नहीं कहना नोटिस। मुझे लगता है तुम एंजॉय करोगी आबिद जान। मतलब ज़ैन, मैं वॉक पे जा रहा हूँ। भूख लगी है? चाइनीज ही खाओगी ना?
जैन आई एम रियली सॉरी, इतने प्यार से तुमने ट्रैवल प्लान किया था और मैंने एक जिद्दी बच्चे की तरह सब खराब कर दिया। हम कौन सा आखिरी बार ट्रैवल कर रहे हैं? आज आबिद जान तो कल मोरक्को। मुझे भी सॉरी कहना चाहिए, किसी चीज के पीछे एक्साइटेड हो जाऊं तो किसी की नहीं सुनता। अब ये क्या तुमने सॉरी सॉरी कहना शुरू कर दिया? ये बताओ कब की फ्लाइट है, क्या पैक करूं? कहां के लिए? आप जान। लेकिन तुमने तो नहीं जाना था। मगर अब जाना है। छोड़ो ना, हम कुछ और प्लान करते हैं। मोरक्को ही सही, साउथ अफ्रीका फिर कभी घूमेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे आबिद जान जाना है, तुम्हें आबिद जान जाना है। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? प्लान चेंज ना। अरे कब से तुमने टिकट बुक करवाए हुए हैं, प्रिंट आउट तक निकलवाए हुए हैं, जेब में लेके घूमते हो? ज़ैन, टिकट्स कहाँ हैं? ज़ैन, मैं बाहर गया था, कोई मुझे मिल गया, सेट था, उसे मैं बता तो दे दिए। किसको? Hi guys, I hope you like the second episode. सीमा आंटी से टिकट चुराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिलैक्स, हो जाएगा, हो जाएगा। Don't forget, third episode आ रही है 17th of December को। Share this episode with your friends and family. And stay tuned to TD.